रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज आम बजट प्रस्तुत किया गया है और बजट को लेकर जो वित्त विशेषज्ञ हैं वो क्या राय रखते हैं इस पर रेडियो नोएडा लोकमंच विभिन्न वर्गों के लोगों से प्रतिक्रिया ले रहा है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट महेश गुप्ता जी। महेश गुप्ता जी से हम जानना चाहेंगे कि आज के बजट की खासियत क्या है और किस तरह का इसका असर देखा जा सकता है आने वाले दिनों में। महेश जी को मैं अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं। नमस्कार महेश जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महेश जी ये बताइए कि जो बजट प्रस्तुत किया गया है इस समय, उस बजट में क्या ऐसा है जो आपको लगा कि ये अर्थव्यवस्था में मजबूती लाएगा और किस तरीके के प्रावधान इस बार किए गए हैं, जो उम्मीद थी क्या उस पर खरा उतरा है? जी मिरेकल वाला बजट है, मिरेकल वाला। जी इस बजट में बहुत सारी नई नई चीजें लाए, जैसे क्रिप्टो करेंसी चल रही थी हिंदुस्तान में, उन्होंने डिजिटल रूपी करेंसी इंट्रोड्यूस करने का इस बजट में कंसेप्ट दिया है। इस बजट में उन्होंने डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का कंसेप्ट दिया है। यूनिवर्सिटी भी लाइक इज नो वेयर बट डिजिटल यूनिवर्सिटी, एक नया कंसेप्ट हिंदुस्तान में शुरू हो गया डिजिटल यूनिवर्सिटी का। अब कोरोना के कारण से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, तो उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान को पढ़ाएंगे, 200 चैनल पर वो पूरा सिलेबस डलवा देंगे, आप घर बैठ करके पूरा ट्यूटोरियल सुनो और पढ़ो। तो इस तरह की बहुत सारी घोषणाएं इन्होंने करी है बजट में, और जब वो रियल में इम्प्लीमेंट होंगी तो सही मायने में जो मॉडर्न एरा का जो बजट है वो होगा। आम आदमी के लिए जो इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की बात कही जा रही थी और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, मेडिकल पर खर्चा बढ़ा है और जिस तरीके से और भी चीजों पर दाम बढ़े हैं, तो उसे एक लोगों की शिक्षा पर महंगी हुई है, तो जो उम्मीद थी उस पर क्या हुआ? देखिए आम आदमी के लिए क्या है बजट में, अभी बजट स्पीच में तो कुछ दिखा नहीं। हाँ बजट स्पीच के अलावा जब फाइनल प्रिंट जब पढ़ेंगे तब कुछ पता लगेगा। स्लैब में कोई चेंज नहीं किया ऐसा लगता है। हाँ कोई भी किसी तरह का इनकम टैक्स में इंसेंटिव नहीं दिया है। कंपनियों को इंसेंटिव दिया है, नई कंपनी जो 15% स्लैब के लिए आने वाली थी 31 मार्च 23 तक, उनको उन्होंने एक्शन करके 31 मार्च 24 तक कर दिया। स्टार्टअप के लिए उन्होंने 3 साल का जो कंटिन्यूस अवेलमेंट ऑफ एग्जम्पशन था उसको 3 साल से बढ़ा के अब 5 साल कर दिया। तो इस तरह के कई सारे मेजर्स उन्होंने लिए हैं बजट में, लेकिन मैं बहुत आम करदाता को कोई राहत वाली बात नहीं दिख रही। अच्छा तो आने वाले दिनों में जो हमारे उद्योग हैं या हाउसिंग इंडस्ट्री है और इसके अलावा जो अलग अलग तरह की जो इंडस्ट्री है जिसको हम स्टार्टअप के जरिए आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा इस बजट का? गवर्नमेंट R&D पर बहुत ज्यादा फोकस है। हर तरह से R&D बढ़े, किसी ना किसी तरह से इस पर बहुत ज्यादा फोकस है। और R&D के तो बाकी उन्होंने बजट एलोकेशन दिया है, जैसे मान लो जो पीएम आवास योजना है उसमें बजट एलोकेशन बढ़ाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बजट एलोकेशन बढ़ाया है, वो सारी चीजें बढ़ाई है लगातार। तो ये इस बजट को हम अगर 10 में से नंबर देने की बात हो तो आप कितना नंबर देंगे इसमें? भाई मेरे हिसाब से 6-7 नंबर जरूर देने चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी नई चीजें हैं। एक तरह से हिंदुस्तान का ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला बजट है। अच्छा। इतनी नई नई चीजें जो कल्पनातीत, मतलब कल्पना में भी नहीं आ सकती थी, वो मैडम ने बजट स्पीच में लाई है। अब उनको रियल में ट्रांसफॉर्मेशन जब होगा तब निश्चित रूप से बहुत सारी नई नई चीजें दिखेंगी। मतलब सही मायने में तो ऐसा लग रहा है कि हम जिन चीजों को सोच भी नहीं पाते ऐसी चीजों को सरकार ने हम सबके मध्य ला के रखा है कि भाई हमको इस तरह से अब काम करना। तो ये आपका दिमाग में कोई ऐसी चीज थी जिस पर आप इस बजट में होना चाहिए था नहीं हो पाया? सारी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन हम लोग तो बहुत नॉर्मल सोच रहे हैं। अभी इस बजट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बड़ी एबनॉर्मल सी है। भाई हम लोग सोच रहे थे भाई इनकम टैक्स में कोई ना कोई रिलीफ मिलनी चाहिए, वो रिलीफ नहीं दी इन्होंने। अब देखते हैं क्या है कैसे है। लेकिन और बहुत बढ़िया बात क्या लाई है, ये इनकम टैक्स में अगर आपने कोई इनकम में पीछे दिखाई नहीं, हाँ तो आपको एक 2 साल का एक पीरियड दे दिया, उसमें आप अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। लिटिगेशन खत्म करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई अगर आप में इनकम में कोई बढ़ोतरी दिख रही है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी देंगे आपकी रिटर्न रिवाइज करने की, आप रिटर्न रिवाइज कर दोगे दे विल सेटिस्फाई, उसमें कोई लिटिगेशन नहीं करेंगे। अच्छा मनी पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कहा कि अगर आपके यहाँ सर्च होती है, सर्च के दौरान आपको कोई अगर
इनकम मिलती है इनको, तो वो पुराने लॉसेस से सेट ऑफ नहीं होगी। अच्छा, तो एक तरह से ये एक डीसी इंसेंटिवाइज किया एक तरह से ब्लैक मनी अर्नर्स को, फिर भी कोई रिलीफ नहीं मिलेगी, इसलिए टैक्स देते रहो। तो इससे कुल मिला के ये हम कह सकते हैं कि एक देश को आगे ले जाने वाला बजट है, और जिस पर जो इम्प्लीमेंटेशन निर्भर करता है कि वो किस तरीके से होगा। हाँ, बहुत अच्छा कलेक्शन हो रहा है, तो उसका लेआउट भी बहुत बढ़िया इन्होंने बनाया है, हर सेक्टर में धीरे धीरे इस चीज को ले जा रहे हैं, और एग्रीकल्चर में खूब फोकस है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छा फोकस है। अच्छा, रेलवे में 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाने का विचार कर रहे हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बढ़ाने वाला बजट। और इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी तक क्या था, डिजिटल के बारे में नहीं सोचा था इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन डिजिटली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बहुत ध्यान है। एक घोषणा इन्होंने जो करी है, गाँव में और शहरों में इंटरनेट में किसी तरह की कोई नॉन कम्पेटिटिव मिलेगा सबको। तो भाई गाँव में भी जो इंटरनेट मिलेगा वो शहरों में मिलेगा, जो ई फैसिलिटीज गाँव में मिलेगी वो शहरों में मिलेगी, मतलब शहरों की सारी फैसिलिटीज गांव में ले जाएंगी। तो गांव को शहरों को डिजिटल एक्ट पर लाने की कोशिश है। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM पर बजट को लेकर विशेष चर्चा की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मयूर जी। थैंक यू सर। बजट पर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात कर रहे हैं नोएडा एंटरप्रेनर एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन बलहन जी से। विपिन जी, आपने बजट देखा होगा, बजट पर क्या आपको लगा कि इंडस्ट्री के लिए इस बजट में क्या किया गया है? देखिए, अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री की, तो सबसे बढ़िया चीज तो ये हुई कि जो कॉरपोरेट टैक्स है वो कम कर दिया गया है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो उसी चीज का पूरे कॉरपोरेट वर्ल्ड को मिला है, जिससे हमारी जो शेयर मार्केट है, देखिए वो भी बहुत बढ़िया उठ गई है। और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था बजट का जी। एमएसएमई के लिए भी एक अच्छा पॉइंट दिया गया है। इसके अंदर कम से कम हमारा पहले था ये 6 लाख करोड़ हमें और एडिशनल हमें एमएसएमई के लिए लोन का प्रोविजन 6,000 करोड़ का किया गया है जी। 1,30,000 जो एमएसएमई है उसका बेनिफिशियल उनको मिलेगा। जो भी हमारे देश में एमएसएमई है 1,30,000 उनको ये सीधा सीधा लाभ इसका बेनिफिट मिलेगा। और हमारा जो ग्रोथ टारगेट इन्होंने लिया है वो 9.27% का लिया है, उसका भी सीधा सीधा एक लग रहा है कि देश प्रगति पे जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो बजट इंडस्ट्री के हिसाब से एक अच्छा बजट है, और इसका आने वाले समय पे पूरी इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलेगा, कॉरपोरेट वर्ल्ड भी यहाँ पर आएगा, और भी लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी, अच्छा काम चलेगा, लोगों को रोजगार अच्छा मिलेगा। तो और जैसे लोगों के घरों का इन्होंने एक प्रोविजन लिया कि 80 लाख घर और देंगे, 60 लाख रोजगार प्रोवाइड कराएंगे, तो ये सब कुछ सारी चीजें जोड़ के कॉर्पोरेट में ही आता है। अच्छा, आपको उम्मीद थी बजट में कुछ जो प्रावधान होने चाहिए, कुछ और उस तरह का कोई आपके दिमाग में था कि ये उम्मीद थी का अगर हो जाता तो ये ठीक रहता? देखिए कि जो चीज हमारा दिमाग में थी वो चीज इन्होंने पूरी कर दी है। आज की डेट में जितनी भी मशीनरी हम बाहर से इंपोर्ट कराते हैं उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत लगती थी, उसको भी इन्होंने कम करने का प्रोविजन लिया है। तो उससे ये होगा कि जितना भी प्लांट एंड मशीनरी बाहर से आएगी वो सस्ती होके आएगी, तो यहाँ पर और इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट मिलेगा। तो और सबसे बड़ी चीज देखिए, जिस प्रकार से आजकल हम प्रदूषण में बहुत जूझ रहे हैं, उसके लिए भी इन्होंने एक बहुत बढ़िया काम कर दिया कि जितने भी ईवी होंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होंगे, उसकी बैटरी रिप्लेसमेंट जगह जगह आपको मिलेगी कि अपनी बैटरी दे दी, इमीडिएट आपको दूसरी मिल गई, मतलब चार्जिंग में टाइम नहीं मिलेगा, लगेगा। तो उससे क्या होगा कि पूरी अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हर जगह इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी और पॉल्यूशन भी कम होगा और पेट्रोल और डीजल से भी निजात मिल जाएगी। बिल्कुल, तो ये एक तरीके से अच्छा बजट है, संतुलित बजट है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए अच्छा बजट हम कह सकते हैं इसको, और स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बजट पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज खैर के पूर्व प्रिंसिपल रहे डॉक्टर एमसी जैन जी से। हम जानना चाहेंगे एमसी जैन जी से कि बजट पर क्या नया है इस बार, उनको क्या किस तरह से वो विश्लेषण करते हैं। एमसी जैन साहब नमस्कार। नमस्कार जैन साहब, बजट में आपने देखा होगा इस बार जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें किस तरह का आप इसको आकलन करते हैं? ये एक अच्छा बजट है और इसमें एक लॉन्ग टर्म विजन लिया गया है और देश के लिए विकासोन्मुखी बजट है, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। परंतु कुछ जो उम्मीद थी वरिष्ठ कर्मचारियों को, उनके लिए
कोई अधिक छूट नहीं दी गई इनकम टैक्स स्लैब वगैरह में, और देश में जो नवयुवक क्रिप्टो करेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं उसका भी इन्होंने गवर्नमेंट ने रास्ता क्लीन किया है कि क्रिप्टो करेंसी पर 30% इनकम टैक्स लगेगा जो भी उसका बेनिफिट होगा, और 1% TDS कटेगा, और RBI अपना एक नया क्रिप्टो करेंसी भी 2022 में स्टार्ट करने जा रहा है। अच्छा जी, दूसरा ग्रामीण क्षेत्र में कुछ दिया गया है, क्योंकि खेती का सामान कुछ सस्ता किया गया है, MSP पर रिकॉर्ड खरीदारी करने के लिए गवर्नमेंट जो किसानों की मांग थी उस पर भी प्रयास कर रही है। दूसरा, देश का युवक अधिक से अधिक रोजगार पाए इसके लिए भी गवर्नमेंट का प्रयास है कि इस साल करीब आगे आने वाले समय में 60 लाख लोगों को नौकरी दी जाए। तो ये एक डेवलप्ड इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, GDP बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया है। अगर मैं ये कहूँ कि 10 में से आप इसमें कितने नंबर देंगे इस बजट को? इसमें से 10 में से 7 नंबर देंगे। अच्छा, तो आम आदमी के लिहाज से ये बजट थोड़ा सा अभी उतनी छूट वाला नहीं है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने वाला बजट है। जी जी जी। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM पर बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। बजट पर रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM पर प्रतिक्रिया में JSS कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र जी हमारे साथ हैं। योगेंद्र जी, जो बजट आपने देखा होगा आज, क्या खास लगा, उसका किस तरह आकलन करते हैं आप? देखिए सर, ऐसा है कि अगर हम आकलन करें तो मैं थोड़ा सा कहूंगा कि जैसे भाई जनरल बजट नहीं है, क्योंकि जो थोड़ी सी जो हमारी जो आशाएं थी, जो हमारी जो अपेक्षा थी कि भाई कुछ आम आदमी के लिए भी, कोविड का टाइम चल रहा है तो आम आदमी के लिए भी कुछ राहत आएगी, तो माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने उसमें ऐसा अभी तक कोई चर्चा नहीं करी जिसमें कि वो जनरल जो आस्पेक्ट जिसमें कवर होता वो नहीं हुआ है। लोग टैक्स लेयर में क्योंकि कोरोना के चक्कर में दिक्कतें चल रही हैं, महामारी है, तो टैक्स लेयर में कुछ छूट चाह रहे थे। हालांकि ये दूसरा पहलू ये भी है कि हर साल भाई छूट नहीं दी जाती है, पर फिर भी ये समय ऐसा था कि अगर इसमें कुछ होकर ऐसा रहा होता तो शायद ठीक रहता। वैसे तो अभी देखिए जैसे भाई जनरल अगर ग्रोथ की बात करें तो 9.2 की जो पॉसिबल ग्रोथ रेट अभी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बताई है कि 9.2 का रेट रहेगा, लेकिन इन जनरल में बात करें, स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात करी है, स्पेसिफिक सेक्टर्स में बात करिए कि हमें इंडिविजुअल सेक्टर्स में और हम एम्फसाइज करेंगे, ग्रोथ करेंगे, और नदियों को जोड़ने की बात करी है, कुछ हैंडीकैप कैटेगरी की बात करी है, फोन चार्जर सस्ते होंगे ये बात करी है, आपका जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उस पे वो सस्ती हो जाएगी, और इसी तरीके से सोडियम के जो आइटम है थोड़े वो महंगे हो जाएंगे, लेकिन और जो बारिश है अम्ब्रेला क्या नाम है जो छतरियां हैं छतरियों पे उन्होंने भाई छूट दी है, एग्जेंप्शन दी है 20% की, तो उस प्रकार की स्पेसिफिक छूट वगैरह दी गई है। लेकिन जैसे एक आम आदमी के हिसाब से भाई मैं व्यक्तिगत अपने बारे में सोचूं, आप अपने बारे में सोचें, एक आम आदमी के हिसाब से जो हर आदमी नजर बना के रखता है बजट के ऊपर कुछ राहत भाई उनको भी मिलेगी, इस प्रकार की राहत तो शायद मतलब मैं अभी तक मैं नहीं देख पा रहा हूँ मतलब मैं इसमें। तो ये बताइए, क्या इस बजट को ये माना जाए कि ये आम आदमी की बजाय देश की इकोनॉमी को आगे ले जाने वाला बजट है? बिल्कुल सर, देश की इकोनॉमी को, बिकॉज बिल्कुल ये देश की इकोनॉमी को आगे ले जाने वाला बजट है, क्योंकि इसके अंदर स्टार्टअप को तवज्जो दी गई है। भाई सीधी बात है, भाई माननीय प्रधानमंत्री जी का एक जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उसके लिए जरूरी है कि हम नौकरी मांगने वाले की बजाय हम नौकरी देने वाले बने। तो नौकरी देने वाले बनने के लिए करना पड़ेगा कि हमें अपने स्टार्टअप्स को प्रमोट करना पड़ेगा, इंडस्ट्री को प्रमोट करने का, तो कम से कम वो पहले तो एक अपनी नौकरी छोड़ेगा, जो खुद नौकरी मांगता तो एक जगह वो खाली हो गई, और उसके बाद वो किसी एक को, दो को, चार को, दस को और आगे 100,000 कितने को आगे वो जॉब देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। तो हमें जो चीजें रिक्वायर्ड थी जब स्टार्टअप को तवज्जो दी है, हमने डाक जैसे हमारा भाई पोस्ट ऑफिस था वो आज चल नहीं रहा, तो उसको RBI के साथ मर्ज करने की हमने सिफारिश करी है। LIC में भी हमने बोला है कि उसको हम और अभी एम्फसाइज करेंगे, LIC को और हम अपडेट करेंगे। तो और
आपका जो डिजिटल असेट्स है प्लस आपका डिजिटल करेंसी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने जो जोड़ी है भाई क्रिप्टो करेंसी के जो जैसे भाई पहले जो संकेत दिए गए थे कि क्रिप्टो करेंसी सरकार अपनी लेकर के आएगी तो डिजिटल करेंसी के ऊपर भी जो अभी बात निकल के आई है कि डिजिटल करेंसी हम लॉन्च करेंगे तो क्रिप्टो करेंसी के वो जो संज्ञान लेते हुए पहले ही ये संकेत दे दिया गया था कि क्रिप्टो करेंसी के एवज में क्योंकि वहां पर भी लोग असोसिएट हैं लोगों के पैसे डूबने के चांसेस रहते हैं कि कब लोग अपना दिक्कत परेशानी आ रहा है तो भाई अब सरकार ने बोला कि अपनी डिजिटल करेंसी हम लॉन्च करेंगे तो एक तरीके से देखें तो अगर हम और रेशनलाइजेशन हुआ है सरचार्ज के ऊपर रेशनलाइजेशन कर दिया है इन लोगों ने तो एक तरीके से हम देखें तो ये देश के विकास के लिए बिकॉज जो ग्रोथ रेट है 9.2 रखा है फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने तो एक तरीके से देश के विकास के ओर ले जाने के लिए और मजबूती के साथ आय ग्रोथ करने के लिए बजट उस प्रकार का है। लेकिन फिर एक बात बोलूंगा आम आदमी की अगर जो भाई जो सोच होती है जो अपेक्षा होती है इंतजार होता है क्या नाम है कि भाई किस बजट आएगा कुछ उनके लिए भी होगा तब तक की निगाहों से देखते हैं तो मतलब वो ऐसा कुछ इस बजट के अंदर जो टैक्स एग्जेंप्शन के अंदर था वो कुछ भी इसके अंदर वो मेंशन नहीं है। हालांकि जो डिसेबल लोग हैं भाई कोरोना के चक्कर में बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई है परेशानियां हुई हैं तो चक्कर में जो लोग डिसेबल हुए हैंडीकैप हुए उनके सबका प्रावधान बनाया गया है भाई फाइनेंस मिनिस्टर ने सब चीजें जोड़ी है इसके अंदर। लेकिन जो नौकरी पेशा लोग हैं जो मध्यमवर्गीय लोग हैं जो समस्याओं से जूझ रहे हैं जो कोरोना से जूझ रहे हैं उस तरीके से अब अगर हम देखें तो वो शायद अभी तक ऐसी कोई घोषणा इसके अंदर नहीं आई है जिसको कि मैं बोलूं हाँ भाई चुकी पर चुकी मैंने बताया कि जिन्हें देश के विकास के लिए बजट बनाया गया है कि देश को और अग्रसर करना है तो इसमें सेल्फ रिलायंस डिफेंस के अंदर भी बने उसके लिए बजट को इंक्रीज कर दिया गया है सेज एक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं तो ऐसे करके प्लस इन्होंने जो टेलीकॉम डेवलपमेंट है रूरल एरिया के अंदर रूरल एरिया के अंदर और टेलीकॉम को बढ़ावा देने के लिए वो भी उसका भी प्रावधान किया गया है क्योंकि जितना अच्छा हमारा भाई गाँव से कनेक्टिविटी होगी जितना हमारा रूरल एरिया से हमारा दूर दराज जितने सुदूर एरिया से हमारा जो संपर्क सब जाएगा तो उसी प्रकार से वहां भी एक जो आयाम स्थापित होंगे लोगों को काम करने के आयाम मिलेंगे लोग समझ सकेंगे देख सकेंगे दुनिया के बारे में और टेक्नोलॉजी उस तक पहुंच पाएगी। तो अभी तक का जो देख पा रहे हैं सर कोई बैटरी चार्जर सस्ता होगा तो चार्जर सस्ता होगा तो भाई मोबाइल का जमाना है सभी चीजें मोबाइल पे आ गई है तो चार्जर सस्ता होगा तो देखें छोटी छोटी चीजों पे ना जो स्पेसिफिक है पर मैं आप पर जो एक आम आदमी जो एक लंबी रफ्तार के साथ हर उम्मीद से लगाए बैठा होता है कि भाई नौकरी पेशा लोगों के लिए होगा प्लस इन लोगों ने एक अर्बन डेवलपमेंट पे फोकस किया है फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जहाँ पे कि जो हमारे जो टीयर टू से हम टीयर थ्री की तरफ उनको सिटीज को लेके चलेंगे उनको तो जिसमें कि हमारी स्टेट्स को और सिटीज को एक अर्बन डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा प्लस इन्होंने रोड के ऊपर भी फोकस किया है कि हमारी रोड की जो कैपेसिटी है बनने की उसको भी और हम बजट बढ़ा करके उसको बढ़ाएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर है पूरी मुस्तैदी के साथ है कि देश को और मजबूत करना है जिसमें कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस जो इसके अंदर जो निकल के आया है विनोद जी वो ये निकल के आया है कि भाई मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस तो ये है सर। बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने रिएक्शन दिया धन्यवाद थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच सर। बजट परिचर्चा में अब हमारे साथ हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व आईएएस एनपी सिंह जी। हम जानना चाहेंगे कि बजट जो इस बार प्रस्तुत किया गया है वो किस तरह का है और शिक्षा के क्षेत्र में कितना उसमें योगदान होगा। मैं अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार विनोद जी। सर बजट के बारे में जानना चाहेंगे जो आज बजट प्रस्तुत किया गया है और शिक्षा के क्षेत्र में खास तौर पर आप इसका आकलन किस तरह कर देंगे। जी विनोद भाई कोई भी राष्ट्र का बजट जो होता है वो दीर्घकालीन और तात्कालिक दोनों आवश्यकताओं के समन्वय की दृष्टि से जी उसमें प्रस्तुत किया जाता है जी। ये जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है उसमें नई शिक्षा नीति में जो कुछ में रखे गए थे जी जी उसके क्रियान्वयन के लिए चाहे वो स्कूल एजुकेशन में 5+3+3+4 को कैसे क्रियान्वित किया जाएगा स्किल बैंक की स्थापना और मुख्य रूप से डिजिटाइजेशन की बात पैंडेमिक में जिस तरह से डिजिटल ऑनलाइन लर्निंग की बात आवश्यकता महसूस की गई उसको देखते हुए डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देना
जी। और मुख्यतः डिजिटल यूनिवर्सिटी खड़ा करना एक बहुत बड़ा शुभ कदम है जी। और ये जरूर है कि बहुत सारे लोगों को निराशा इसलिए हुई होगी कि तात्कालिक रूप से कोई भी मध्य वर्ग को कोई ऐसी छूट आयकर में नहीं मिली है या कोई नया कोई इस प्रकार का किसानों को या मजदूरों के लिए कोई तात्कालिक जी कोई अनुतोष या रिलीफ की कोई व्यवस्था कम दिखती है इसमें। यद्यपि इसमें अरवन क्षेत्र में काफी मकानों 80 लाख मकानों का जिक्र है, डाकघरों में लगभग 1.5 लाख बैंकिंग से शुरू करने का है और 25,000 किलोमीटर इंफ्रास्ट्रक्चर के सड़कों को बनाने का है। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री एजुकेशन हेल्थ जी जी हर सेक्टर में कुछ न कुछ प्रावधान किया गया। ये जरूर है कि ये दीर्घकालिक उद्देश्यों की ओर ज्यादा झुका हुआ है जी जी जी, ओरिएंटेड टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। इमीडिएट रिलीफ की चीजें थोड़ी लोगों को कम दिख रही होंगी लेकिन कोई भी देश का बजट जी लॉन्ग टर्म डोमेन में ही उसका परीक्षण किया जाना चाहिए। उस दृश्य से ये सही दिशा में एक ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में एक और क्लाइमेट रेजिलिएंट जो ग्रोथ देश का होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हुए जी जी उस दिशा में किया गया एक अच्छी सोच का बजट मुझे प्रतीत होता है। मतलब देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये महत्वपूर्ण बजट है। देखिए पैंडेमिक को देखते हुए जिस तरह की विपरीत परिस्थितियां हैं हर अर्थ जगत जी जी। उसमें फिस्कल स्टेबिलिटी ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी क्लाइमेट रेजिलियंस एजुकेशन हेल्थ की जो तात्कालिक को देखते हुए मुझे लगता है कि काफी अच्छा प्रयास किया गया है। यद्यपि इसमें अगर मध्यम वर्ग को जी जी और कोई छूट मिली होती और किसानों मजदूरों के लिए और युवाओं के लिए रोजगार के और अच्छे प्रावधान और संकेत होते जी 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 बजट और उत्कृष्ट होता। लेकिन मैं सामान्य रूप से कहूंगा कि दीर्घकालीन लक्ष्यों की ओर प्रेरित ये बजट एक अच्छा बजट। सर अगर मैं कहूँ कि 10 में से आप इस बजट को कितना नंबर देंगे? मैं 10 में से इसमें 7.5 दूंगा जी जी। रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू विनोद जी। थैंक यू। आज की बजट परिचर्चा में हमारे साथ शामिल हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट महेश गुप्ता जी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अलीगढ़ खैर से जो नोएडा में रहते हैं एक्स प्रिंसिपल डॉक्टर MC जैन जी, NEA के प्रेसिडेंट विपिन मलहन जी, JSS कॉलेज के प्रोफेसर योगेंद्र जी और पूर्व गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी और भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष NP सिंह जी, इन सब की प्रतिक्रिया हमारे साथ जुड़ी रेडियो पर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।